चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद एआईएमआईएम लीडर पर खातिलाना हमला, राउडी शिटर और उनके साथी मुलविस। मलकपेट पर एआईएमआईएम के वार्ड मेंबर पर हुआ खातिलाना हमला। ड्रग्स का नशा करने वाले अफराद लड़कियों को छेड़ रहे थे, जिस पर वार्ड मेंबर एआईएमआईएम ने उन्हें ऐसी हरकतों से बाज आने कहा, जिस पर ड्रग्स का नशा करने वाले अफराद ने इन पर हमला कर दिए। चादरघाट पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए जख्मी अफराद को दवाखाना ओस्मानिया इलाज के लिए रवाना कर दिए। मजीद तहकीकात जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। ये सलीम बोल के है, उसका बेटा है शहबाज। इसका ऑलरेडी चादरघाट में 3 से 4 पिटी केसा हो गए। भाई साहब लोगों को बोला, साहब लोग कॉपरेट भी करे, उसको जो है सो डराए करे, मगर उन्हें क्या कर रहा, गोलियां खा के। ये राफ है, रोडी शूटर है, चादरघाट का ट्रांसफर हो गया सैदाबाद का। अब वापस फिर जो है सो यहाँ आके बैठ रहा कर रहा। उसको नहीं बैठना करना बोले तो 4-5 बच्चे मिले, पूरे नचड़िया हैं, गोलियां खा के, नशे के गोलियां खा के जो है सो मैं वो तवक्कल पहुँचा हुआ हेडक्वार्टर के पास। मैं अंदर ठहरा हुआ था, सडनली अंदर जो है सो 6 आदमियाँ हाथों में पूरे जमीए तलवारा लेके घुसे। वो अल्लाह का फजल हुआ, मेरे सर पे, मेरे पीठ पे कहीं भी नहीं आया, क्योंकि वो जमीए ऊपर आजू बाजू लग जा रहे थे दीवार को, एक उन्हें लग सका। वो हाथों को लगा, हाथों को जो है सो पूरा स्टाप हो गया, एक उंगली का तो पूरा गोश चला गया। उसको जो है प्लास्टिक सर्जरी करते बोले, अब ये दूसरे स्टिचेस यहाँ देते बोले। अब उस्मानिया में जो है सो ग्लूकोज चढ़ाने जो है सो 10 बार चुबा दिए मेरे को, इसलिए यशोदा में जा रहा हूँ एडमिट होने के बाद। और इन लोगों का ये जुल्म कब होता है, ये गोलियाँ, ये गांजा, ये ड्रग्स लेने वाले हैं इन लोगों का, ये शहबाज, अमान, राफे और उन लोगों के साथ जो है और बच्चे थे, अदर्स बोल सकते हैं। अगर पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं होती सर, वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, पुलिस वहाँ पे कॉपरेट अच्छा करती पुलिस, मगर पुलिस क्या करती, पुलिस की गाड़ी जाते फिर आके इन लोग बढ़े आते वहाँ। और वहाँ पे इलीगल 5 शव धान लेके बैठे हुए इन लोग लाल कॉलोनी के पास। वो 5 शव के पास मंगल मंडी में लेडीज का आना जाना मुश्किल है। इन लोग पूरे गांजे मारना वहाँ पे पान के डब्बे के पास, बच्चियों को छेड़ना, बच्चियों को नंबर देना मंगल मंडी में। और नॉर्मल डेज में भी जो स्कूलों को बच्चियाँ जो जाते, कॉलेज के बच्चियाँ जो जाते, वहाँ पे एक अड्डा बना के छोड़ दिए पान के डब्बे के पास। एक जुल्म करके छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे खाली गांजा। नाम क्या बोले, पान के डब्बे का नाम नहीं है, मैसम्मा टेम्पल के बाजू पान का डब्बा, इलीगल 5 शव है। रोड पे ना मलगी बनी हुई है ना कुछ भी नहीं है, रोड पे बना लेके बैठे हुए लोग। आपके ऊपर अटैक कितने बजे हुआ था? ये अटैक मेरे पे ऑलमोस्ट 9:30 वहाँ पे, नहीं वहाँ पे नहीं हुआ, मेरे घर के पास नीचे हुआ, मेरे घर के पास। आपके ऊपर पहले इन लोग आए, मेरे को देख लिए, देख लेके फिर गए, फिर जाके फिर वापस आके मेरे पे अंदर घुस के अटैक करे। नहीं नहीं, मेरे साथ मेरा और एक दोस्त भी था, उसका भी पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, या पीछे उसकी गर्दन के पीछे पड़ा हुआ उसको चाकू से। हाथ आपके ऊपर हमले की वजह क्या हो सकती है? ये वजह कुछ भी नहीं है, वो डब्बा परसों मेरे नाम पे लोग फॉल्स कंप्लेंट करे, वहाँ पे पान के डब्बे के सामने तरबूज की दुकान में डाल लिया लोग, यानी रोज लेडीज का आना जाना मुश्किल हो गया। तो मैं इन लोगों को ये बोला, भाई मैं वहाँ का वार्ड मेंबर हूँ एरिया का, AIMIM पार्टी का, मैं इन लोगों को बोला ये कई को कर रहे हैं आप लोग आए, ये बोल के बोला। तो उन लोग क्या करें, नहीं हम कुछ भी करते तो कूँगा क्या होगा बोल के, ये बहस हम बहस हुई, मैं रुक के बात करा एरिया का, AIMIM पार्टी का, मैं इन लोगों को बोला ये कई को कर रहे हैं आप लोग आए, ये बोल के बोला। तो उन लोग क्या करें, नहीं हम कुछ भी करते तो कूँगा क्या होगा बोल के, ये बहस हम बहस हुई, मैं रुक के बात करा। वो फुटेज लेके आके PS में ही बताया, वहाँ पे भी मेरे नाम पे कंप्लेंट हुआ, 323 मेरे नाम पे बुक हुआ, उन लोगों के नाम पे भी 323 बुक हुआ, 70 भी मेरे नाम पे भी हुआ, 70 भी उनके नाम पे भी बुक हुआ। सर मैं बोला साहब, आपके रिलेटिव है बोल के मालूम हुआ? ये रिलेटिव है मगर बदरविशा है, इन लोगों को 100-200 दिए तो रिलेटिव बन जाते, इन लोग 100-200 नहीं दिए तो एनिमी बन जाते, ये प्रॉब्लम है। पैसे दिए तो अच्छा है, पैसे नहीं दिए तो अच्छा है, वो इनकी EMI बनना करते गाड़ी के। कंप्लेंट कर दिया? हाँ मैं चादरघाट PS में कंप्लेंट कर दिया, मेरे को जो जो हुआ हाथों पे पूरे में फोटोस ले लिया। अब देखते हैं श्री संगम साहब अच्छा ही हमारे एरिया के, हमारे काला डेरे के, अब साहब मैं इनके साथ कॉपरेट कर रहा हूँ, साहब भी मेरे साथ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? अभी तक तो गुड है, अब PS के पास जाके मैं स्टेटमेंट देने वाले, क्या होता है चादरघाट PS, उन लोग अरेस्ट हुए अभी अभी यहाँ पे एक जना भाग गया बोल के मालूम, वो पकड़ा।